Good afternoon, students. The topic of today's discussion or today's lecture is patenting and regulatory requirements of natural products. The definition of some important terms. Okay, this is the subpart of your unit 4, that is patenting and regulatory requirements of natural products. In Google Classroom, I have shared the notes of this topic. So, starting with this. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन व्हाट इज पेटेंट. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट है क्या, जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा. इट इज़ अ ग्रांट बाय अ स्टेट टू एन इन्वेंटर और टू हिज असाइनी. ठीक है, इट इज़ अ ग्रांट बाय अ स्टेट, मतलब एक स्टेट के द्वारा ये ग्रांट होता है एक इन्वेंटर को. ठीक है, जिसने इन्वेंट किया है कोई भी अपनी नई मैन्यूस्क्रिप्ट जो इन्वेंट करी है, और टू हिज असाइनी. ठीक है, गिविंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक यूज एक्सरसाइज एंड वेंड द इन्वेंशंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड. ठीक है, जो कि क्या करता है, एक स्टेट आपको ग्रांट करती है परमिशन, किसको, एक इन्वेंटर को या असाइनी को. ठीक है, क्या करने के लिए, एक उसके एक्सक्लूसिव राइट्स को मेक करने के लिए, यूज़ करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और वेंड करने के लिए. ठीक है, द इन्वेंशंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड, मतलब जो पेटेंट भी इशू होता है किसी इन्वेंटर को, मतलब किसी भी, सपोज़ आपकी कोई रिसर्च है, ठीक है, या फिर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपने ओरिजिनेट करा, उसको कोई नाम दिया, उसको आपने पेटेंट कराना है. ठीक है, तो उसके लिए आपको जो परमिशन मिलेगी आपको गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलती है इन एक्सचेंज फॉर डिस्क्लोजर इन अ पेटेंट स्पेसिफिकेशन. ठीक है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नेशन और अ इन्वेंटर. ठीक है, पेटेंटी क्या होता है, पेटेंटी इज अ क्लेमर ऑफ द पेटेंट. पेटेंटी क्या है, पेटेंटी होते हैं एक क्लेमर पेटेंट के. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पेटेंट के, गिविंग अ लीगल मोनोपोली टू द पेटेंटी टू रीप द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वेंशन. मतलब जो आपने इन्वेंशन करी है उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिले फ्यूचर के लिए. ठीक है, फैसिलिटेटिंग द इम्प्रूवमेंट्स और प्रोवाइडिंग द ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू डेवलप द न्यू आइडियाज़ और एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, फैसिलिटेट करना, इम्प्रूवमेंट करना और प्रोवाइड करना ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू डेवलप द न्यू आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स. मतलब कि अगर सपोज आपने कोई इन्वेंशन करी तो उसके लिए फ्यूचर में आपको इन्वेंशन करने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है, डेवलपमेंट करने के लिए न्यू आइडियाज़, और उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट्स भी मिलते हैं. ठीक है, फॉर द इन्वेंशन ऑफ न्यू ड्रग्स टू. नाउ पेटेंटेबल नेचुरल प्रोडक्ट्स, पेटेंटेबल नेचुरल प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू कंपोजिशन और इम्प्रूव्ड फॉर्मुलेशन इज पेटेंटेड. फॉर्मुलेशन किसी भी नई कंपोजिशन की, मतलब कि कोई भी नया फॉर्मुलेशन आपने बनाया हो, और इम्प्रूव्ड फॉर्मुलेशन इज टू बी पेटेंटेड. एग्जाम्पल, पेटेंटेड हर्बल एंटी एलर्जिक कंपोजिशन. कोई भी पेटेंटेड हर्बल एंटी एलर्जिक, मतलब एलर्जी को रिड्यूस करने वाली कोई भी कंपोजिशन है जो कंप्राइज करती है एक सिनर्जिस्टिक मिक्सचर. ठीक है, सिनर्जिस्टिक मतलब एडिटिव मिक्सचर ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फ्रूट्स. किससे, फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया चिबुला एंड द बार्क ऑफ एल्बिजिया लिबैक, टर्मिनेलिया बलैरिका एंड एम्बेलिका एम्बलिका ऑफिसिनालिस एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सच कॉम्पोजिशन. तो ऐसी फॉर्मुलेशन को भी आप इस तरीके की, मतलब ये एग्जाम्पल है आपके लिए, इस तरीके की कॉम्पोजिशन को भी आप पेटेंट करा सकते हैं. ठीक है, द प्रेजेंट इन्वेंशन ऑल्सो कंटेन्स द फ्रूट्स ऑफ पाइपर लॉन्गम. इस इन्वेंशन में आपके फ्रूट्स भी इन्वॉल्व हैं, पाइपर लॉन्गम के, पाइपर नाइग्रम के एंड राइजोम्स ऑफ जिंजर ऑफिसिनेल के, एंड थॉरली मिक्स टू गेट द फाइनल कॉम्पोजिशन विच हैज़ पोटेंट एंटी एलर्जिक एक्टिविटी. इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, इन सारे प्लांट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट को मिला के जो आपकी बन जा रही है एक कॉम्पोजिशन, उसकी एक्टिविटी होगी एंटी एलर्जिक. द प्रिपरेशन इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशंस. ठीक है, नेक्स्ट, पेटेंट फॉर न्यू यूज़ ऑफ द हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट. पेटेंट हम करा सकते हैं न्यू यूज़ के हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट के द्वारा. कोई भी हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि नया कोई उनका यूज़ ओरिजिनेट कराओ, उसको भी हम पेटेंट करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर्सकोलिन. वेट लॉस प्रॉपर्टी मतलब जो फोर्सकोलिन एक आपका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमें मिलता है रूट्स ऑफ कोलियस फोर्सकोली से, जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वेट लॉस प्रॉपर्टी, विच वर डिस्कवर्ड बाय द फर्म सेबिंसा कॉरपोरेशन इन ह्यूमन्स, विच इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ द कोलियस एक्टिव. फॉर दिस अ कंपनी वॉज ग्रेटेंटेड अ पेटेंट फॉर इट्स यूज़ इन कॉम्पोजिशन एंड प्रमोशन ऑफ
लीन बॉडी मास, रिडक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड वेट लॉस. मतलब कि पेटेंट आप किसी भी न्यू यूज़, अगर आपका कोई आप सपोज हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, आपने उस पर आप वर्क कर रहे हैं, उसकी आपने एक्टिविटी ऑब्जर्व करी कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी वजह से वेट लॉस प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट को भी हम कर सकते हैं पेटेंट. नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन और सिंथेसिस ऑफ द नेचुरल कंपाउंड्स. मॉडिफिकेशन करना या सिंथेसिस करना किसी भी नए नेचुरल कंपाउंड की. द नॉवल स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट ऑफ जीनस ट्राइकोकलॉन और हुडिया. ठीक है, कोई भी नोवल नए स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइडल कंपाउंड्स को हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द प्लांट जीनस ट्राइकोकलॉन और हुडिया, जो कंटेन करता है एपेटाइट सप्रेसेंट एजेंट, भूख ना लगने वाला एजेंट. एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ सच कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट. इसका काम मेनली क्या है, इसके डेरिवेटिव्स, या इसका काम ये है कि जो एपेटाइट सप्रेसेंट एजेंट होता है ये सिंथेसाइज होता है किस एम के साथ, कि इंक्रीज करेगा एक्टिविटी एक्टिव इंग्रेडिएंट की. ऑल्सो दिस इन्वेंशन प्रोवाइड्स नॉवल इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव कंपाउंड. नेक्स्ट, अ नॉवल आइसोलेशन प्रोसेस. कोई भी आइसोलेशन प्रोसेस जो कि न्यूली आपने डेवलप करा हो, एग्जाम्पल के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एजाडिरैक्टिन फ्रॉम द प्लांट एजाडिरैक्टा इंडिका. एजाडिरैक्टा इंडिका इज नीम विच शोज द फंजीसाइडल एक्टिविटी फ्रॉम द सीड्स ऑफ नीम एंड ऑल्सो इट्स स्टोरेज. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए NCL पूर्ण ले, इंडियन पेटेंट, ये आपने इन्होंने पेटेंट कराया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू एप्लीकेशन ऑफ एन आइसोलेटेड कंपाउंड. कोई भी एक एप्लीकेशन जो आइसोलेटेड कंपाउंड की आपने फाइंड आउट करी हो, फॉर द यूज़ ऑफ, एग्जाम्पल के लिए फॉर द यूज़ ऑफ टर्मरिक एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर मिनाडियन एंड एंटी फंगल एजेंट. ठीक है, ये किसने कराई है, जापानीज पेटेंट कराई है ये. नेक्स्ट है द इन्वेंशंस विद नॉवल्टीज, एग्जाम्पल बायोपेस्टिसाइड्स. बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी आप पेटेंट करा सकते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स को भी आप पेटेंट करा सकते हैं. नेक्स्ट इज IPR. नेक्स्ट डेफिनेशन इज, आफ्टर पेटेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट IPR इज. ठीक है, IPR क्या है. एन इन्वेस्टर हैविंग स्पेंट ह्यूज मनी एंड एफर्ट्स. किसी इन्वेस्टर ने, जिसके पास बहुत सारा पैसा है सपोज, उसने बहुत सारी मनी अपनी स्पेंड करी, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जो कि रिक्वायर करते हैं सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जिसमें रिक्वायरमेंट होती है उस इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन की फॉर हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सच प्रोटेक्शन अलाउज हिम, ऐसे टाइप के जो प्रोटेक्शन होते हैं वो अलाउ करते हैं टू गेन द डिजर्व इंसेंटिव फॉर हिज इनोवेशन एंड इन्वेंशन. ऐसे टाइप का जो प्रोटेक्शन होता है वो किसको मिलता है, किसी भी इनोवेशन को या इन्वेंशन को. कोई भी इनोवेटिव इन्वेंशन अगर किसी इन्वेस्टर ने करी है, IPR provides such protection. तो IPR क्या करता है, कोई भी आपकी सपोज इन्वेंशन है, ठीक है, उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो होता है IPR. IPR बेसिकली क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द लेगिटिमेट राइट्स ऑफ द इन्वेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दस एक्सक्लूडिंग अदर्स फ्रॉम मेकिंग, कॉपिंग, यूजिंग और सेलिंग हिज प्रोप्राइटरी सब्जेक्ट मैटर. मीन्स इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी पेटेंटिंग चीज़ है, कोई भी न्यू इन्वेंशन है, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन जो राइट प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं IPR. ठीक है, कोई भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसके लिए हमारे को, या पेटेंट हुआ है उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसको IPR बोलते हैं, कि जिससे कि उसका फर्दर कोई और ऐसा ही ना बना ले, कोई कॉपी ना कर सके, यूज़ ना कर सके और सेल ना कर सके. IPRs are right to make, use and sell a new product or technology that are granted usually for a period of 17 to 20 years. ठीक है, solely to the inventor or the corporation which files a claim on the inventor's behalf. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या होते हैं, राइट्स मिलते हैं हमारे को यूज़ सेल करने के किसी भी प्रोडक्ट को जो हमने ग्रांट करें, कितने टाइम के लिए, 17 से 20 इयर्स के लिए. ठीक है, किसे, इन्वेंटर को मिलती है. नेक्स्ट, IPRs आर मेंट टू रिवॉर्ड इनोवेटर्स. IPRs का मतलब होता है इनोवेटर्स को रिवॉर्ड करना, इन्वेंटर्स को और रिसर्चर्स को. इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि हेल्प करती है बिहाइंड रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस में. अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ओनर्स आर ग्रांटेड सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स टू अ वैरायटी ऑफ इंटेंजाइबल एसेट्स सच एज म्यूजिकल, लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स. ठीक है,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत ओनर्स को ग्रांट करी जाती है सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स टू अ वैरायटी ऑफ इंटेंगेबल असेट्स सच एज म्यूजिकल लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए डिस्कवरीज के लिए इन्वेंशंस के लिए वर्ड्स फ्रेजेस सिंबल्स एंड डिज़ाइंस के लिए एक प्रॉपर्टी लॉ मिली है जो कि राइट इसके अंडर आते हैं IPR के. नेक्स्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क्स पेटेंट्स इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स इन सम ज्यूरिसडिक्शंस. ठीक है, इन सबको आपकी IPR मिल सकता है. अमंग वेरियस काइंड्स ऑफ IPRs पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर मोर इम्पॉर्टेंट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. IPR डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस दैट आर बेस्ड ऑन प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज. सेवरल कॉमन टाइप्स ऑफ IPR इंक्लूड कॉपीराइट. कॉपीराइट क्या होता है? दिस प्रोटेक्ट रिटन और पब्लिश्ड वर्क्स. ठीक है, जो कि आपका रिटन और पब्लिश्ड वर्क होता है जैसे कि बुक सॉन्ग फिल्म वेब कंटेंट एंड आर्टिस्टिक वर्क उसका कॉपीराइट. ठीक है, नेक्स्ट इज पेटेंट. दिस प्रोटेक्ट्स कॉमर्शियल इन्वेंशंस फॉर एग्जाम्पल अ न्यू बिजनेस प्रोडक्ट और प्रोसेस. डिजाइंस, दिस प्रोटेक्ट डिजाइन सच एज ड्रॉइंग्स और कंप्यूटर मॉडल्स. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क्स. दिस प्रोटेक्ट साइन सिंबल लोगो वर्ड्स एंड साउंड्स दैट डिस्टिंग्विश योर प्रोडक्ट सर्विसेज फ्रॉम दोज ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. इन सबको भी आप IPR से सुरक्षित कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्लांट्स. प्लांट वेराइटी फार्मर्स राइट एक्सेट्रा ट्रीज. नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फूड्स लाइक सर्टेन गुड्स बासमती राइस बनारस सिल्क एट्सेट्रा. सो दिस इज ऑल अबाउट IPR एंड पेटेंट. आई विल कंटिन्यू माई टॉपिक फर्दर विद द फार्मर्स राइट. ठीक है, अब क्या है फार्मर्स राइट? क्या होता है ये आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है. फार्मर्स राइट्स कंसिस्ट ऑफ द कस्टमरी राइट्स ऑफ फार्मर्स. मतलब फार्मर्स जो हमारे किसान हैं उनको कुछ कस्टमरी राइट्स मिलते हैं. किस लिए मिलते हैं? फॉर द सेव यूज एक्सचेंज एंड सेल्फ फार्म सेव्ड सीड एंड प्रोपगेटिंग मटीरियल. मतलब जो भी उन्होंने सेल करना है एक्सचेंज करना है यूज़ करना है सेव करना है फ्यूचर पर्पज़ के लिए अपने कोई भी सीड को उनको ये मिलता है राइट. ठीक है, देयर राइट्स टू बी रिकग्नाइज रिवॉर्डेड एंड सपोर्टेड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल पूल ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. मतलब हमारे को जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट करने के लिए उनको ये एक रिवॉर्ड के तौर पर फार्मर्स राइट हमारे दिए गए हैं. एंड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ऑन इश्यूज़ रिलेटेड टू क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज. उनको इतना भी होता है कि अगर आपको फार्मर्स के राइट होते हैं जो उन्हें पता होने चाहिए जो कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी तरीके का डिसीजन मेकिंग ऑन इश्यूज़ रिलेटेड टू क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है, नेक्स्ट फार्मर्स राइट्स क्या हैं उसको आप एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे. अ फार्मर हु हैज़ इवॉल्व्ड और डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी. ठीक है, इज एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन इन लाइक मैनर एज अ ब्रीडर ऑफ अ वैरायटी. ठीक है, हमारा जो फार्मर है अगर उसने कोई भी न्यू वैरायटी जनरेट करी है ठीक है उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा प्रोटेक्शन कराएगा इन अ मैनर ऑफ ब्रीडर ऑफ वैरायटी. ठीक है, फार्मर्स वैरायटी कैन ऑल्सो भी रजिस्टर्ड एज एन एक्सटेंट वैरायटी. अ फार्मर कैन सेव यूज सो रीसो एक्सचेंज शेयर और सेल हिज फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग सीड ऑफ अ वैरायटी प्रोटेक्टेड अंडर द PPV एंड FR एक्ट 2001. एक PPV एंड FR एक्ट है आपका जो 2001 में इशू हुआ था उसके बिहाफ में एक फार्मर सेव भी कर सकता है यूज़ भी कर सकता है बो भी सकता है दोबारा बो सकता है एक्सचेंज कर सकता है शेयर कर सकता है और सेल कर सकता है उसके अपने खेत को जो प्रोड्यूस करता है उस सीड को इन द सेम मैनर एज ही वॉज एंटाइटल्ड बिफोर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दिस एक्ट. प्रोवाइडेड फार्मर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेल ब्रांडेड सीड ऑफ अ वैरायटी प्रोटेक्टेड अंडर द PPV एंड FR एक्ट 2001. ठीक है, इस एक्ट से पहले फार्मर को इतनी छूट नहीं थी. फार्मर्स आर एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ लैंड रेसेस एंड वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लांट. बेसिकली फार्मर राइट्स का मतलब क्या है कि फार्मर्स को अपना राइट्स का पता होना चाहिए जैसे कि वो उसको सेल कर सके. सपोज उसने कोई न्यू वैरायटी बनाई उसको उसने पेटेंट कराना है या उसको आगे कोई और यूज़ ना करे या सेल ना करे या प्रोड्यूस ना करे उसको वो फार्मर्स राइट इन द अंडर द PPV एंड FR एक्ट 2001 कर सकता है अपने अंडर. ठीक है, उसको इतने राइट्स आपके मिले हैं. There is also a provision for compensation to the farmers for non-performance of variety under section 39, issue 2 of the Act 2001. ठीक है, अगर एक provision और है इसमें कि वो provision किसके under आता है section 39(2) of the Act 2001 के अंतर्गत उसमें क्या है कि उसे compensation भी मिलेगा अगर उसके कोई भी variety की non-performance भी आती है कुछ time बाद.
ठीक है, फार्मर शैल नॉट बी लाइबल टू पे एनी फी इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटी और रजिस्ट्रार और द ट्रिब्यूनल ऑफ द हाई कोर्ट अंडर द एक्ट. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज द राइट्स ऑफ फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इट हैज़ बीन कंसिडर्ड नेसेसरी टू रिकोगनाइज एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द फार्मर्स इन रिस्पेक्ट टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड एट एनी टाइम इन कंजर्विंग इम्प्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इस्टेब्लिशमेंट, एक इफेक्टिव सिस्टम बनाने के लिए फार्मर्स को ये राइट्स दिए गए थे कि वो कोई भी ब्रीड कोई भी प्लांट हमारा ओरिजिनेट करते हैं डेवलप करते हैं किसी भी पार्ट को सीड लीव फ्रूट कुछ भी आप बनाते हैं और वो न्यू वेराइटी है और बहुत फ्रूटफुल है तो वो फ्यूचर के लिए अपने राइट को कंजर्व कर सकता है इम्प्रूव कर सकता है और उसको फर्दर कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है उसका भी इसमें प्रोविजन है. ठीक है, अगर उसके बाद भी उसमें कोई बेनिफिट नहीं आता उससे कुछ टाइम बाद तो उसके लिए उसको कुछ छूट भी दी गई हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ भी लगाई जा सकती हैं. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा एक राइट और बनाया है द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स वो जो कि इशू हुआ था दो. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द PPV एंड FR एक्ट 2001. सो thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in the comment section below. Thank you.